बस्ती में मुक्ति धाम की जमीन पर कब्जा को लेकर बवाल मच गया है। बस्ती के लोग इस निर्माण का एक सुर से विरोध करने लगे हैं। नापजोक में भी ग्रामीणों के आरोप सही पाए गए। दरअसल 2.5 एकड़ जमीन मुक्ति धाम के लिए आवंटित हुई थी, उसके कुछ साल बाद यहां पर विवेकानंद इंस्टीट्यूट के नाम पर कब्जा प्रारंभ हो गया। विवेकानंद स्कूल का बोर्ड लगाकर मुक्ति धाम की जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तहसीलदार से पटवारी मैडम आई है, वहाँ हम लोग सूचना भी दिए थे कि हम लोग कमुक्ति धाम में कोई विवेकानंद करके अवैध कब्जा कर रहा है करके, और यहाँ भी देखे कई जने आदमी यहाँ मुक्ति धाम के आस पास में और भी अवैध कब्जा कर रहे हैं, बिक्रा के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं। हम अभी 20 साल हो गए हैं और हम लोग करते करते आ रहे हैं पूर्व से अब हम सब बाहर के लोग इसमें अवैध कब्जे कर रहे हैं, विवेकानंद क्या क्या बोलते हैं उसको कौन कब्जा कर रहे थे पहला पता नहीं कामा कब्जा कर रहे थे मनु काका जमीन है काका जमीन है अब हम मुक्ति धाम सरकार ने दी वो जमीन पहली के अभी कहा होते हैं माँ पूछे पाछे अब स्कूल बनी कि कुछ मकान बनी कि का बनी गांव वालों पता नहीं। हम लोग शिकायत किए थे कि हम लोग कलेक्टेड में किए थे हमारे मुक्ति धाम में अवैध कब्जे हो रहा था और तहसीलदार के पास किए थे और हम लोग को अब हम तो अभी आए हैं लेकिन बहुत पहले से यहाँ मुक्ति धाम यहाँ पे माटू अति देर है हम ऐसी लोग शिकायत किए हैं पहले कि जो लोग मुक्ति धाम जहाँ पर रखे हुए हैं ना वहाँ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट द्वारा नगर पालिक निगम कोरबा है ना इसमें स्पष्ट तो क्लियर नहीं हो रहा है बट वहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है ना। और ग्रामवासियों की जानकारी में भी ये नहीं है कि ये लोग तो मतलब उसके लिए प्रस्तावित कराए हैं क्या है कैसा है कब जगह दिन क्या है हमारे डॉक्यूमेंट्स में भी वो कुछ नहीं है ना। तो गाँव वाले लोग आपत्ति लगाए हुए हैं इसमें तो उसके आधार पर हम लोग यहाँ जाँच पे आए हुए हैं तो यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और जो भी सामग्री है उसका जब्ती और ये देखते कर्नाटक से जुड़ी खबरें देखते।